मां मनसा देवी की दिव्य आरती इस वीडियो में दिखाई गई है, साथ साथ आप लोगों को पूरी अपडेट भी दी गई है। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को मां मनसा देवी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ हरिद्वार यात्रा की संपूर्ण जानकारी और आप लोगों को मां मनसा देवी की पैदल यात्रा करके भी मैं दिखा रहा हूं कि यहां की मौसम आज का वैश्विक मौसम में इतनी खूबसूरत मौसम है आज का, आप लोग अभी देखे भी होंगे सामने मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है और काफ़ी अच्छी दृश्य है और आप देख सकते हैं हम इतना दूर चढ़ाई कर चुके हैं और काफ़ी अच्छी महसूस हुआ उतरने के बाद, काफ़ी 1% भी थकावट का एहसास नहीं हुआ क्योंकि मौसम में कुछ लुभावना था। अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, हम लोग चल रहे हैं मां मनसा देवी के यात्रा में, साथ साथ दर्शन आपको भी कराऊंगा, मैं भी करूंगा, चलते रहिए हमारे साथ। जय माता दी का कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। स्टार्टिंग की सीढ़ियाँ थोड़ी सी हार्ड है चढ़ने के लिए, लेकिन कुछ देर बाद हमको एहसास होगा कि हम आसानी से चढ़ रहे हैं। ये देखिए कुछ दूर बचा हुआ है, ये स्टार्टिंग की चढ़ाइए, थोड़ा सा सीधी चढ़ाइए, हम आ गए हैं इतना दूर और मैं आप लोगों को पीछे का भी दिखा रहा हूँ और ऐसे कोई परेशानी नहीं है। आप काफ़ी सारे श्रद्धालु कह रहे थे कि भाई आप हरिद्वार में मां मनसा देवी की लाइव वीडियो दिखाई, लाइव वीडियो में कोशिश किया था लेकिन नेटवर्क इशू के कारण कुछ समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, मैंने 4 से 5 मिनट के वीडियो दिखाया था तो अब समझ में नहीं आया होगा जहाँ तक है, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, रोप वे का रास्ता बंद है, लेकिन आप पैदल यात्रा करेंगे तो प्रकृति के जो नज़ारे देखने का जो आनंद है वास्तविक में दिल को प्रलोभित कर देगी, दिल को इतना ज़्यादा आनंद देने वाली है। ये रास्ता है, देखिए हम इसमें पैदल भी जा सकते हैं और गाड़ी से भी जा सकते हैं, जैसे कि बाइक सवार है, बाइक सवार लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो हम लोग बाइक से भी जा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से बाइक वाले आपको 50 रुपीज़ में भी छोड़ेंगे, अगर आप यहाँ आके थक जाओगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन लेके ऊपर जाएंगे और अगर ऊपर आने जाने करते हो तो कम पैसा उन लोग लेंगे, ऐसा बोल रहे थे तो मैंने पता लगाया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देख सकते हैं प्रकृति की नज़ारे का भी आनंद लीजिए आप लोग, क्योंकि मैंने तो खूब लिया है, खूब लिया, बहुत ही ज़्यादा आनंद, इतना ज़्यादा आनंद आज तक मेरे को कभी आया नहीं था जितना आज आया मेरे को। आप देख सकते हैं इतनी अच्छी, यहाँ से माँ चंडी देवी के दर्शन भी कर सकते हैं, ये टेम्पल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ना सीढ़िया की चढ़ाव आसानी हो जाता है, मैं आप लोगों को चलते चलते दिखाते हुए भी जा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ की व्यू, ये हरिद्वार हर की पौड़ी का दृश्य है, मैं अभी आप लोगों को ये दिखा जूम करके थोड़ा सा दिखाऊंगा जिससे कि आप लोगों को समझने में और आसानी हो जाएगा। ये हर की पौड़ी का दृश्य है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये हर की पौड़ी का दृश्य है। दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते मां मनसा देवी की रहस्य के बारे में तो कमेंट जरूर करें और मैं उसमें ज़रूर वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, और कैसे कहा जाता है मां मनसा देवी से जो मनोकामना मांगते हुए धागा बांधते हैं उनकी मनोकामना 100% पूरी होती है। काफ़ी सारे श्रद्धालु कह रहे थे कि हम क्या मनसा देवी यात्रा कर सकते हैं पैदल यात्रा, तो आप लोग देख सकते हैं पैदल यात्रा उतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं, जितना सफ़र में हमको टाइम लगता है रोपवे में उतना ही सफ़र हमको लगता है पैदल चढ़ने में, क्योंकि रोपवे भीड़ होती है और उसमें हम जितना लाइन में लग के हम वेट करते हैं उतना में हम पैदल जा भी सकते हैं और जैसे हम रोपवे से जाएंगे और आएंगे उतना ही टाइम लगता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। और क्योंकि मेरी खुद का एक्सपीरियंस है, मैं पहले रोपवे से जाया करता था और रोपवे से आया करता था, लेकिन जब मैं पैदल गया तो मेरे को एहसास हुआ कि रोपवे से जाने से और पैदल आने से इतना ही है अंतर कि उसमें थोड़ा आराम होता है, इसमें थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, इतना ही आराम है। हम यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि हम पैदल यात्रा कर रहे हैं हमको बैठने की सुविधा चाय पानी की सुविधा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, आप चाय नाश्ता का भी सुविधा यहाँ पर मिल सकता है आपको, यहाँ पर पूरी सुविधा मिलेगी आपको, ऐसा नहीं कोई परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। जब आप चढ़ाई करते हो तो जो फूल माला आपको ऊपर टेम्पल में भी मिल जाएंगी ऊपर पे और नीचे में सब मिल जाएंगी, जैसे आपकी इच्छा आप नीचे से लेके जाना चाहते हो या फिर आप ऊपर में से फूल प्रसाद खरीदना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और काफ़ी सारे यहाँ पे जूते रखने वाले आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि आप जूते रख दीजिए और प्रसाद ले जाइए, तो आप स्टार्टिंग में से भी अपने जूते रख सकते हैं और मतलब मंदिर के पास में भी आप रख सकते हैं। अब लोगों को बताऊंगा कि मैंने कहाँ जूता रखा था और वहाँ पे क्या फ़ीस होती है, ऐसे फीस
नहीं होती है जूता रखने का, और ये जो प्रसाद वाले होते हैं वो भी फीस नहीं लेते हैं, बस उनका फीस यही होती है कि आप प्रसाद ले जाओ, पल्ले में जूता यहाँ पे हम रखेंगे, आपकी देख रेख करेंगे जूता का, ये होता है। तो आप लोग, मैं आ गया हूँ बहुत नज़दीक माँ मनसा देवी की, ये आप बहुत ही करने में थोड़ी सी थकावट हुआ था, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आए तो पूरी थकावट ख़त्म हो गई, क्योंकि इतनी अच्छी हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे क्या है था सारी थकावट दूर हो गई। देखते हैं ग्रीन ग्रीन आपको ये पत्तियां कितनी अच्छी लुभाने वाली लग रही हैं मन को। तो मैं थोड़ी सी हरिद्वार यात्रा की अपडेट बता दूं, हरिद्वार यात्रा आप करना चाह रहे हैं तो माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी की के दर्शन हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई परेशानी नहीं होने वाली है, पैदल यात्रा करके हम कर सकते हैं, और रोप ये दोनों जगह बंद है। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, आपके पास कोविड टेस्ट नहीं है तो आप कोविड टेस्ट नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे कोविड टेस्ट हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्ज नहीं लेगा, तो आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए। देखिए काफ़ी सारे लोग जो प्रसाद वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई पंखा फ़ैन ऑन किए कि भाई आप यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ा पसीना से आप लथपथ हो गए हो, ऐसा करके थोड़ा सी ये सुविधा होती है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे रख दो जूता अपना और प्रसाद लेके जाओ, ये देखिए काफ़ी सारे लोग हैं। अब मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ काफ़ी अच्छे दृश्य, यहाँ से भी प्रकृति की देखने को मिलता है। ऊपर भी काफ़ी सारे शॉपिंग हम कर सकते हैं चाहे तो, और नीचे भी कर सकते हैं हम। ये आप लोग देखें, काफ़ी अच्छी दृश्य यहाँ से देखने को मिलती है, थोड़ी सी गहराई है आप देखेंगे, अब मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में यात्रा के साथ साथ माँ मनसा देवी की आरती भी दिखाया हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें स्किप किए बिना, क्योंकि क्या है जब तक आप स्किप करेंगे तब तक वीडियो को मज़ा नहीं आएगा, आनंद आपको नहीं मिलेगा वीडियो में जो आनंद है, क्योंकि मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि वीडियो में आनंद ही आनंद है, क्योंकि मेरे को ये हम लोग आ गए हैं माँ मनसा देवी के भवन में। यहाँ भी आपको मिलेंगे काफ़ी सारे लोग। ये है रोपवे का रास्ता जो अभी बंद है, अभी आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा। ये यहाँ पे भी हम ऊपर चढ़ने के बाद भी चाय नाश्ता, जैसे कि ये कैंटीन लगा हुआ है माँ मनसा देवी कैंटीन, यहाँ से ये वहाँ पे मैंने जूता रखा था, ये हम यहाँ से हम लोग अंदर चढ़ाई किए माँ मनसा देवी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी, अगर भीड़ होती तो हमको यहाँ पे वेट करना पड़ता है, लेकिन अभी भीड़ नहीं हो रही है क्योंकि आप जानते ही हैं कोविड की वजह से काफ़ी कम लोग आ रहे हैं। ये हम माता रानी के बहुत करीब आ गए हैं, अब हमको दर्शन होने वाले हैं, हमें माता रानी के दर्शन बहुत ही आसानी से होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे घंटों लाइन लगना पड़ता था तब जाके हमें माँ मनसा देवी माता रानी के दर्शन होते थे। आप हाथ जोड़ के माँ मनसा देवी की दर्शन करें, आपको जो कामना करना है आप कर सकते हैं, माता रानी आपके आपकी जो भी कामना होगी उसको जरूर पूरा करेंगे। मैं भी दर्शन कराने वाला हूँ, धागा बांधते हुए अपनी मनोकामना यहाँ पे रखते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु धागा बांध रहे हैं जय चामुंडा माता की, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, और ऐसा देखो बच्चे लोग भी हाथ में बंधवा रहे हैं धागा, आप देख सकते हैं। और साथ साथ अगर आप जब भी आएँ तो आप भी गतिविधि माता रानी का दिव्य आरती का दर्शन कीजिए, और जो भी आपकी इच्छा है आप जो भी मांगना चाहते हैं ज़रूर आप मांग सकते हैं। अगले चलते हैं
आप देख सकते हैं गरुड़ वाहिनी माँ वैष्णो देवी का दर्शन कीजिए। वैष्णो देवी की यात्रा भी काफ़ी सारे श्रद्धालु करना चाहते हैं, लेकिन अभी वहाँ पे भी काफ़ी कोविड की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ भी कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है और कुछ जगह ओपन हो रहे हैं वहाँ भी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं अब बाहर आ गया हूँ माँ मनसा देवी की दर्शन करके। यहाँ पे देखिए फूड वगैरह रखा हुआ है, आप जैसे कि कुछ भी नाश्ता पानी हमको करना होता है तो मैं यहाँ से कर सकते हैं। ये अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ रोपवे का रास्ता यहाँ से जाता है और ये अभी बंद है तो हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमको जाना पड़ेगा जिस रास्ते से आए।